कैसे हो आप सब? ठीक हो? क्या हो रहा है? अब अपने स्कूल को याद करते हो? इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सब स्कूल में मिलेंगे, लेकिन जब तक आपके स्कूल बंद हैं आपने घर पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके? ये है आपका उर्दू का सबक। ये कौन सा सबक है आपका? उर्दू का सबक। मैम क्या पढ़ते हैं? उर्दू के सबक में हम हरूफ पढ़ते हैं, हरूफ तहजी पढ़ते हैं। अलिफ बे पे ते टे से चीम, चे हे खे दाल दाल जल रे, रे जे ये से सी शीन स्वात, स्वात तोई जोई आइन गाइन फे काफ, काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे, हमजा छोटिए बड़िए। ये होती है हरूफ तहजी, जिसको हम अलिफ बे पे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हरूफ तहजी के कुछ हर जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है? अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि जो हम पढ़ चुके हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे, फिर मैम आपसे पूछेंगी। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड। इसकी तस्वीर है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? ये है अनार। वेरी गुड, अनार। आपने कभी अनार खाए? अनार किसका फ्रेंड है? अनार अलिफ का फ्रेंड है। हाँ जी, अनार कैसे का होता है? अनार के अंदर क्या होता है? अनार के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, और वो दाने किस कलर के होते हैं? वाइट वाइट होते हैं। हाँ जी, अलिफ अनार। और अलिफ से कोई और फल भी होता है? अलिफ का कोई और फ्रेंड भी होता है? कौन बताएगा? चले मैम आपकी हेल्प करती हैं, देखें तो। ये कौन है? ये कौन सा फल है? अलिफ अनार, अलिफ अंगूर। वेरी गुड, ये दोनों क्या हैं? फल हैं, और दोनों अलिफ के फ्रेंड हैं। आपने अलिफ पढ़ा है? अलिफ के फ्रेंड्स भी पढ़े हैं। और अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ का फ्रेंड कौन है यहाँ पे? आम। वेरी गुड, अलिफ मद आ मीम आम। ये कौन है? आम। ये है आम। आम को और क्या कहते हैं हम? आम को हम मैंगो भी कहते हैं। जी, मैंगो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं इसको आम। आम किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। जो येलो मैंगो होता है वो येलो आम बहुत मीठा होता है, ठीक है? एक ग्रीन ग्रीन भी होता है, वो मीठा नहीं होता। तो हम येलो आम खाते हैं जो कि बहुत मीठा होता है, और वो किसका फ्रेंड होता है? अलिफ मद आ का। अलिफ मद आ का फ्रेंड होता है। वेरी गुड। ये कौन है यहाँ पे? कौन आ गया? बिल्ली। जी बिल्ली। बिल्ली किसकी फ्रेंड है? बेब बिल्ली। वेरी गुड। ओ बॉय क्या उड़ा रहा है? पतंग। पेपर पतंग। वहाँ पे एक लड़का है जो कि पतंग उड़ा रहा है। आप जब स्कूल आओगे तो हम पतंग की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? हम पतंग बनाएंगे, ओके? अच्छा, अब आपने दो हरूफ पढ़े हैं जिनके आज हम फ्रेंड्स चेक करेंगे, आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा हर्फ है, क्या है ये? मैं आप बताओगे, अब मैम नहीं बताएंगी क्या है। वेरी गुड, टेल मी लाउड, आई कांट हेयर यू, मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी ये है अलिफ। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ, वेल डन। और ये कौन है? ये कौन सा हर्फ है? अलिफ के बाद क्या आता है? प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ। वेरी गुड, अलिफ के ऊपर छोटी सी मद आ, अलिफ मद आ होती है, ठीक है? हम देखते हैं इनके फ्रेंड्स हैं। लुक एट दिस वर्कशीट। इसमें कौन बना हुआ है सबसे ऊपर? मैंगो? नहीं, मैंगो तो नहीं है। उर्दू में इसको मैंगो तो नहीं कहते। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? आम। वेरी गुड, डू क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड। और नीचे तीन हर्फ लिखे हुए हैं, आपने तीनों पढ़े हुए। पहला हर्फ है अलिफ मद आ, दूसरा हर्फ है बे, तीसरा हर्फ है अलिफ। तो अलिफ आम किसका फ्रेंड है? बे का? नहीं, बेबा आम तो नहीं होता।
आम किसका फ्रेंड है, आपने उसके गिर्द दायरा लगाना है, उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। अलिफ मद आ का, वेरी गुड। आम किसका फ्रेंड है, अलिफ मद आ का। और नीचे क्या है आम के नीचे, अंगूर हैं ये जी, ये क्या हैं, अंगूर हैं। यहाँ पे दोनों फ्रूट्स हैं, दोनों फल हैं, ठीक है। एक फल फ्रेंड है अलिफ मद आ का, और अंगूर किसके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे अलिफ है, ते है, टे है, टे से तो अंगूर नहीं होंगे, ते से भी तितली होती है, अंगूर नहीं होते, तो अंगूर किससे होते हैं, अलिफ अंगूर, वेरी गुड। तो आपने अलिफ को सर्कल कर देना है, ठीक है। पहले आपने अलिफ मद्दा आम और अलिफ अंगूर, इनको सर्कल करना है, फिर आपने इनमें कलर्स करने हैं। आम का क्या कलर होता है, आम किस कलर का होता है, येलो कलर का, यस। आम पीला, येलो को पीला भी कहते हैं। तो आपने जो आम मीठा होता है वो येलो होता है, तो आपने उसमें येलो कलर करना है, ठीक है। आपने अपने मैंगो को मीठा मीठा करना है, ओके। अलिफ मद आ आम, आम होता है येलो कलर का, ठीक है। और अंगूर ग्रीन कलर के, आपने अंगूर में कौन सा कलर करना है, ग्रीन, ओके। अब आपने इनको सर्कल करके, इनमें कलर्स करके, फिर इसकी पिक्चर क्लिक करनी है, फिर मामा को कहना है कि ये मैम को सेंड कर दें, ओके। गुड बाय।